हेलो स्टूडेंट, हम जो प्रश्नवाली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को पिछले वीडियो में हमने किया था, उसके आगे का हम क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का पहला जो है इधर से हम चालू करेंगे, क्योंकि इधर ही हमारा मेन पार्ट लिखा हुआ है, उधर से अगर करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो कह रहा है कि सभी एक्स का समुच्चय, इसको हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर पिछली वीडियोज हमारे देखिए तो इसको पूरा हमने बेसिक से बताया, इसकी शुरुआत की जो जानकारियां सेट किसे कहते हैं सारी जानकारी है, उसमें इसको बताया था कि सभी एक्स का समुच्चय एक से एक क्या है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या और 6 की भाजक कौन हो सकती है, इसमें से आप देखिए 1, 2, 3, 6 क्या ये हो सकती है, 6 की भाजक तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 डिविजिबल है, ये भाजक भाज्य है। और दो तीन ऐसी संख्या है जो किसी से भाज्य नहीं है, तो आई थिंक ये वाला इसमें होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे इसमें कर सकते हैं, तो ये वाला इसमें होगा। ठीक है, ए का सेकंड से दूसरा क्वेश्चन बी वाला अगर देखते हैं, तो इसमें का दूसरा जो कह रहा है कि सभी एक्स का समुच्चय एक्स दस से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या यानी ऑड नंबर की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपको कहीं दिख रहा है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, देखिए यहाँ दिख रहा है 1, 3, 5, यहाँ पे 7 भी होगा, लिखना मैं भूल गया शायद, तो 1, 3, 5, 7, 9 विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्या, तो ये वाला बी वाला चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी वाला यहाँ पे चला गया। सी वाला देखते हैं, यहाँ पे सी वाला कह रहा है एक से एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक यही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी प्राकृतिक संख्या ये हो चुकी है, तो अब ये बची हुई है और 6 की भाजक तो है ही, क्योंकि 1 भी 2 भी 3 भी सारे 6 को भाज्य करेंगे। ठीक है, तो अपना चौथा क्वेश्चन है, ये तो देख के ही लग रहा है सिंपल है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, मतलब मैथमेटिक्स शब्द का जो क्या है एक अक्षर है, यहाँ पे दिख रहा है, हम लिखते हैं इसको। बताया था कि अगर एक वर्ड एक से ज्यादा रिपीटेड है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, जैसे इसमें एम है तो एम, उसमें भी ए है, फिर टी है, फिर एच है, फिर ई है, ई भी है, फिर उसके बाद एम, एम दोबारा रिपीट हुआ इसलिए वहाँ पे एम नहीं लिखा हुआ, फिर ए है, फिर ए रिपीट हो गया इसलिए नहीं लिखा हुआ, फिर टी है, टी भी रिपीट हुआ इसलिए नहीं लिखा गया, फिर आई है तो आई लिखा गया, सी है और फिर एस है, तो इसको लिखा गया। तो ठीक है, लास्ट वाला इसमें होगा। तो ये जो एक्सरसाइज 1.1 के जितने क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर दिया, और जितने एग्जांपल थे एग्जांपल को कंप्लीट कर दिया, और उसकी थ्योरी भी बताई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में मिल जाएगी ऊपर, तो वहां से जाके देख लें, बाकी डिस्क्रिप्शन में इसके सारे लेक्चर की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख लें और पढ़ते रहें अच्छे से मन लगाकर। गुड बाय।